नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने आए हैं फार्मटेक चैम्पियन प्लस, जो कि एक 45 एचपी का ट्रैक्टर है। इसका आज हम देखेंगे सभी टेक स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी खासियत और इसकी कीमत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसका जो बोनेट है वो साइड से खुलता है इन बटन्स के थ्रू। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें हमें लगभग 3140 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि AVL टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। चलिए आपको AVL टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बताते हैं। जैसे कि आप कभी भी ट्रैक्टर ख़रीदने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि इस ट्रैक्टर को फर्स्ट सर्विसिंग तक ज़्यादा RPM में नहीं चलाना है, ज़्यादा लोड पर मत चलाइएगा, इस टाइप से प्रॉब्लम आता है, जो कि AVL टेक्नोलॉजी में इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। इसको आप किसी भी रफ्तार में, कितने भी लोड पे, फुल रेस में भी चला सकते हैं। इसका सर्विसिंग नहीं हुआ है फिर भी। तो ये फ़ायदे होते हैं AVL टेक्नोलॉजी के, जो कि ये जो फार्मटेक है, ये लगभग अपने सभी मॉडलों में AVL टेक्नोलॉजी वाला इंजन यूज़ करता है। इसमें हमें बॉश का इनलाइन फ्यूल पम्प दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। इसके पावर फिगर की बात करें तो इसमें हमें 2200 इंजन रेटेड RPM पर 45 HP का पावर और लगभग 186 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। अगर टॉर्क को आसान भाषा में समझे तो जिस ट्रैक्टर में जितना ज़्यादा टॉर्क होता है, वह ट्रैक्टर उतने ही आसानी से किसी भी लोड को खींच सकता है। और यहाँ ये लेफ्ट साइड में ये इंजन ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। बात करें इसके एयर फिल्टर का, तो इसमें हमें 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर देखने को मिलता है। अगर इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर एक कूलेंट रिजर्वायर देखने को मिलता है, और ये रहा रेडिएटर। इसमें आप बार बार वाटर को लेवल यहाँ से चेक नहीं करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ से ही देख सकते हैं। तो ये होते हैं इसके अलग से फ़ायदे। इसमें आपको बैटरी लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, और ये रहा अल्टरनेटर, जो कि प्रोटेक्टर के साथ में आता है, जो कि अच्छी बात है। ये लेफ्ट साइड में ही आपको स्टार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें हमें बैलेंस टाइप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जो कि आता है सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में। स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल टैंक देने से स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस आपको लंबे समय तक बेहतर देखने को मिलता है, और इसका रख रखाव भी कम खर्चा आता है। बात करें इसके फ्रंट एक्सल का, तो इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बोल्ट है, ये स्क्वायर शेप में है, इससे इसका जो पकड़ है वो बहुत मजबूती से होता है, और स्लिप होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी के, तो इसमें हमें 50 लीटर का मेटल का डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आता है एक वाटर सेपरेटर और सुपर डीजल फिल्टर के साथ में। और यहाँ पर ये आप इसके लेबलिंग प्लेट को भी देख सकते हैं। इसमें आपको इसके मैन्युफैक्चरिंग और जो इसके PTO पावर और भी बहुत प्रकार के जानकारी आप इससे निकाल सकते हैं, जो कि ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए यहाँ पर ये आपको बिल्कुल ही अलग स्टाइल में फुट स्टेप दिया हुआ है। ये रहा इसके प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड का फुल लुक। ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये रहा इसका स्टीयरिंग। इसका स्टीयरिंग का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। बात करें इसके स्विचेस का, तो इसमें हमें टर्न इंडिकेटर स्विच और ये रहा पार्किंग का स्विच, जो कि एयर कैप प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और यहाँ पे ये आपको एक्सीलेटर लीवर देखने को मिल जाएगा, और इस साइड देखें तो ये इंजन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर ये इग्निशन की के लिए, और ये रहा लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और ये हॉर्न का स्विच, और यहाँ पर ये आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है। राइट साइड में आपको यहाँ पर ये पोजीशन कंट्रोल लीवर और ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों देखने को मिलेगा, जो कि इसका हाइट जो है ये कुछ ज़्यादा ही नीचे में ही है, इसको आपको पकड़ने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और यहाँ ये लेफ्ट साइड में बिल्कुल ही नीचे में ये रहा PTO लीवर, और यहाँ पर ये आप PTO मैनुअल देख सकते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल टाइप सीट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये आपका ट्रांसपोर्ट लॉक, और ये लेफ्ट साइड में आपको ये मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये कुछ इस प्रकार से है इसका प्लेटफॉर्म का लुक, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ये
बहुत बड़े साइज़ में यहाँ पे बम्प निकला हुआ है, और ये नॉर्मल टाइप से इसमें क्लच और ब्रेक पैडल देखने को मिलेगा। बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें हमें कॉन्स्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि आता है हाई लो और 1 2 3 4, मतलब इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया हुआ है। बात करें इसके क्लच का, तो इसमें हमें ड्यूअल क्लच का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब हाफ क्लच से ट्रैक्टर को ऑपरेट करेंगे और पूरा दबाने से पीटीओ के लिए काम करेगा। अगर इसके ब्रेक्स को देखें, तो इसमें हमें ऑयली मस्ट ब्रेक देखने को मिलता है, और ये रहा ब्रेक लॉक करने के लिए लीवर। इसमें हमें 38.2 HP का पीटीओ देखने को मिलता है, जो कि 6 स्प्लाइन के साथ में आता है, और इसमें हमें सिंगल 540 स्टैंडर्ड 1810 इंजन रेटेड RPM पर मिलता है, और इसमें मल्टी स्पीड एवं रिवर्स स्पीड भी देखने को मिलता है। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स की, तो इसमें हमें 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। इसमें हमें इंडियास नंबर 1 ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसिंग देखने को मिलता है, जो कि 2 पॉइंट के साथ में आता है, और ये रहा इसका टॉप लिंक। इसमें आपको सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी फिटेड है। इसमें आपको टेंडम टाइप का पंप देखने को मिलता है, इसका मतलब इसी से ही स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक दोनों ऑपरेट होता है, और ये रहा हाइड्रोलिक वाल्व। इसमें आपको एडजस्टेबल टाइप हिच दिया हुआ है, जिसको आप अपने ज़रूरत अनुसार इसके हाइट को इन होल्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें इसके रियर एक्सल का, तो इसमें हमें स्ट्रेट या नॉर्मल टाइप के रियर एक्सल देखने को मिलते हैं। बात करें इसके टायर का, तो इसमें हमें 6016 के फ्रंट टायर और 13628 के रियर टायर देखने को मिलते हैं, और ये जो इसका रिम है, इसमें आपको यहाँ पर ये रिम स्टिफनर देखने को मिलता है, ये जो ब्लैक कलर में है वो रिम स्टिफनर है, और ये रहे इसके सभी प्रकार के फ्यूचर जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको LED लाइट देखने को मिलता है, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और ये सभी ट्रैक्टर में देना चाहिए। इससे क्या है कि ये बैटरी भी कम खाता है, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है, और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। ये राइट साइड में आपको बोतल होल्डर, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, और नीचे में यहाँ पर ये पिन सॉकेट दिया हुआ है। बात करें इसके वारंटी का, तो इसमें हमें 5000 घंटे या 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका वेट 1940 kg, और इसका जो व्हील बेस है वो 2100 mm, और इसका जो लेंथ है वो आपको 3510 mm देखने को मिलता है। बात करें इसके ऑयल कैपेसिटी के, तो इसमें हमें 6.5 लीटर का इंजन ऑयल और 25 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल, और हाइड्रोलिक के लिए 15 लीटर का ऑयल लगता है, और स्टेयरिंग के लिए इसमें आपको 2 लीटर का अलग से ऑयल डालना पड़ेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 6,80,000 रुपये है, जो कि बाकी सभी कंपनी के ट्रैक्टरों से कम है। चलिए स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुनते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। स्टीयरिंग रिस्पांस तो आपको तो दोस्तों ये सब देखने को मिलेगा आपको फार्मटेक चैम्पियन प्लस में। और अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।